होंडा एलिवेट जो है लॉन्च हो चुकी है और अभी मार्केट में नहीं आई है बट लॉन्च हो चुका है उसका और बहुत जल्दी मार्केट में देखने को मिलेगी, बुकिंग ओपन हो चुकी है उसकी। साथ ही साथ ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है इंडिया में, बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शंस आ चुके हैं मार्केट में। तो यहाँ पर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, कंपटीशन के साथ बने रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो फीचर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ अपडेटेड रहें। यहाँ पर आज फाइनली किया फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है, जयपुर शोरूम से आ चुकी है। अगर आपको ये कार देखनी है तो आप सांगी किया के अंदर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। सबसे बेस्ट पार्ट है जो ग्रीन कलर है, नया ऑलिव ग्रीन, ये आपको शोरूम पर मिल जाएगा अगर आपको ये कलर देखना है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेजर चेंज आया है, 1.5 लीटर का टर्बो जो इंजन है वो अब आपको इसके अंदर मिलेगा, 160 पीएस का पावर प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ अब आपके आपको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है आईएमटी और डीसीटी में मिलेगा, पैनल में आपको अवेलेबल नहीं होगा। प्राइस अभी अनवील नहीं हुई है, प्राइस अभी डिस्क्लोज होने में टाइम है, लेकिन आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। मैं भी बताऊँगी कि मुझे क्या लग रहा है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते इसका वॉक अराउंड और देख लेते कि क्या क्या नया लेकर आई है किया फेसलिफ्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी की से, तो यहाँ पे लॉक, अनलॉक, होल्ड एंड बूट को ओपन करने का ऑप्शन है। इसके अंदर एक और फीचर ऐड ऑन हो गया है जिसके अंदर अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो कार जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको कार स्टार्ट करना है, इंजन स्टार्ट करना है, उसका ऑप्शन भी अब इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो सबसे पहले जो बड़ा चेंज है वो आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा फेसलिफ्ट के अंदर कंफर्ट के अंदर या फिर जो कार के डायमेंशन है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, हमेशा ब्यूटिफिकेशन होता है, ऐड ऑन होते हैं फीचर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रिल जो है वो चेंज कर दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पे 360 डिग्री का कैमरा आपको मिल जाएगा। स्टिल यहाँ पे एज टू एज आपको LED DRLs मिल जाएंगी जो बहुत ही अमेजिंग लगती है इवनिंग टाइम में, एंड जो लाइट सेटअप है वो चेंज कर दिया गया है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आइस क्यूब आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स मिलेंगे जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एंड फ्रंट बम्पर लुक एट दिस, कितना ह्यूज और स्पोर्टियर इसको बनाता है। नेक्स्ट की तरफ चले, उसी के साथ फ्रंट में आपको रिडार मिल जाएंगे क्योंकि अब इसके अंदर ADAS आपको लेवल 2 मिलेगा, 17 प्लस फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। फ्रंट लुक के साथ में अगर साइड में चले, यहाँ पे आपको रिडार्स मिलेंगे, ऊपर की तरफ आपको कैमरा मिलेगा। साइड में आए तो 18 इंचेस के ह्यूज टायर मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आपको इसके अंदर 4 डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको जो है टायर प्रोफाइल इस टाइप की मिल जाएगी। अगर आप लोअर वेरिएंट्स पे जाते हैं तो 16 इंचेस के आपको टायर्स यहाँ पर मिलते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कलर जो है वही कॉम्बिनेशन रहेगा एंड इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। की में चेंजेस आए जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पीछे की तरफ आएँ, अब पीछे जो मेजर चेंज आया वो आया इसका टेल लैम्प। आप देख सकते हैं इट इज़ इंटीग्रेटेड, ये पूरा इंटीग्रेटेड आपको मिलेगा जो कि इसके लुक को एनहांस करता है। मैं आपको जो वेरिएंट है वो बताना भूल गई, तो ये GT लाइन है, ये जो वेरिएंट है ये X लाइन के नीचे आता है और टॉप से एक लेवल नीचे है। तो आप पीछे देखेंगे तो रियर जो बम्पर है उसको आप अगर देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही स्पोर्टिव लग रहा है। अगर आप X लाइन में जाते हैं, ये एक्चुअली इससे ऊपर एक और वेरिएंट है, अगर उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जॉस्ट टिप भी मिलता है जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो। बूट्स पे सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, यहाँ पे टायर आपको मिल जाएगा, स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिलता है एंड इस टाइप का इंटीरियर आपको, इस टाइप का बूट स्पेस जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इंजन है तो इंजन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का इसका लोकेटेड है। प्लस इंसुलेशन की बात करें तो वैसा ही है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी देखा जाए अगर एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स तो ये काफ़ी शांत कार है, इतना ज़्यादा शोर नहीं करती है। तो इस टाइप का इसका हुड आपको मिलता है। मैं खुद किया ओनर हूँ इसलिए कंफर्ट जो है वो सेम है। लॉन्ग राइड्स पे हम लोग गए हैं, लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग गए हैं एंड काफ़ी दूर ट्रैवल किया है तो कंफर्ट के मामले में वैसी ही है जैसी पहले थी। एक जो चेंज आया है वो आया है यहाँ पर, जो सेटिंग है वो चेंज कर दी गई, जो अपोस्ट्री है वो चेंज कर दी गई है। उसी के साथ में यहाँ पर वाइट जो स्टिच आप देख रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग लग रही है और इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा स्पोर्टियर कर दिया गया है। तो स्पोर्ट्स पेडल जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि इसे, जैसा मैंने बताया, स्पोर्ट्स वाला फील पूरा देने की कोशिश की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ इन्वॉल्व वन का स्पार्क, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है ये इन्वॉल्व का है क्योंकि रेगुलर एक फ्रेगरेंस है और रेगुलर कार परफ्यूम है। ईजी टू यहाँ पर जस्ट स्टिक आपको करना होता है, लाइट वेट रहता है तो थोड़ा ईजी हो जाता है यूज़ करना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर आपको नॉब मिलती है जिससे आप इसको ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं ईजीली एंड आपको कितना चाहिए
चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको। और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इसे बिल्कुल छोटा सा पार्ट इसका आप ओपन करें, ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, अगर आप इसको छोटा सा ओपन करते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये 1 to 1.5 मंथ ईजिली चल जाता है। तो अगर आपको ये परचेज करना है डिस्क्रिप्शन पर जाइए, एंड मिस ऑडोलॉक्स का अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, साथ ही साथ इसमें भी आपको वाइट कलर की स्टिचिंग यहाँ पर मिलेगी, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर मिलते हैं, जीटी लाइन की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलती है, एंड यहाँ पे पूरा एक लग्जरी वाला फील देने की, क्लासीनेस देने की फील पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं एडास के जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन भी है, 17+ एडास के फीचर आपको अब इसके अंदर मिलेंगे, जो कि अब आपको कंपेरिजन में मिल रहे थे बट अगर आपको नहीं मिल रहे थे तो अब आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्क्रीन आप देख सकते हैं पूरी इंटीग्रेटेड दी गई है, पूरा एक स्क्रीन लगता है, ड्राइवर ओरिएंटेड आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट मिलता है। अब आप सामने अगर क्लस्टर देखते हैं तो मोड जैसे जैसे चेंज होंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डिजिटल जो लुक है इसका वो कितना अमेजिंग यहाँ पर लग रहा है, जो पूरा चेंज हो रहा है पूरा आप देख सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपने नॉर्मल रखा तो इट्स लाइक वेरी ब्लैंक, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर नए नए जो स्पोर्ट्स मॉडल में थोड़ा रेड टिंट के साथ में, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर दी गई है विच इज़ न्यू। और अब आ जाते हैं इस पर, तो ये 10.25 इंचेस की स्क्रीन है, और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे वॉइस कंट्रोल के साथ में आप सनरूफ भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे व्हीकल में आप जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको जितने भी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको पास से दिख रहा है तो इधर आपको सारे कंट्रोल्स जो भी रिलेटेड है एडास से वो सब आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्लस्टर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज करना है, लाइट्स का देखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ अब आपको यहाँ पर मिलेगी। उसी के साथ में जो किया कनेक्ट है वो अपडेटेड हो चुका है, 60+ आपको किया कनेक्ट जो फीचर्स है वो यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे IRVM जो है इसके अंदर SOS और सारे ऑटो IRVM यहाँ पर आपको मिलता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसका सनरूफ, आप देख सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आ चुका है और आपको ये मिलेगा। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, डेकोरेशन आपको मिलेगी यहाँ पर ऊपर, लेकिन इट्स वेरी इजी एंड काफ़ी अच्छा ओपन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से, बट इसके सर मत बाहर निकालिएगा कभी भी चलती हुई कार से। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे एसी वेंट्स, यहाँ पे डुअल जोन एसी अब आपको यहाँ पर मिलेगा, सिंक पूरा डिटेलिंग मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो स्विचेस है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, आपको जल्दी हैंडी होते हैं, बजाय आप मुझे पर्सनली जो है टच स्क्रीन पसंद नहीं है, आप साथ में रख सकते हैं बट फुल्ली आप इस पर डिपेंड नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसी के साथ नीचे वायरलेस चार्जर का ऑप्शन है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, एंड नीचे आप फ़ोन को रख सकते हैं, यहाँ पे 12 वाट का सॉकेट मिल जाएगा, आपको USB पोर्ट मिलेगा जो कि आजकल काफ़ी गाड़ियों में नहीं आ रहा है, USB पोर्ट देना ज़रूरी है, सबके पास में सी टाइप नहीं है, सी टाइप का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको मिलता है, ये ऑटोमेटिक कार है, एंड यहाँ पे आपको अगर मैं व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्यू देख लेते हैं कि इसका रियर कैमरा कैसा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको 360° कैमरा मिलता है, इधर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे पूरी विजिबिलिटी है और अच्छी विजिबिलिटी है। मोस्टली मुझे शिकायत रहती है रियर कैमरा से या फिर 360° से, यहाँ पर अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन की, यहाँ पे 1.5 लीटर का टर्बो इंजन जो है वो एड ऑन हो चुका है, अब आपको मिलेगा 1.4 का जो है डिसकंटिन्यू हो गया है, और उसी के साथ में यहाँ पर ये जो है सिर्फ IMT और DCT के अंदर ही आपको अवेलेबल होगा, मैनुअल में ये नहीं है। और साथ में देखें तो अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो ये जो प्रोड्यूस करेगा, जो पावर प्रोड्यूस करेगा वो है 160 PS। ऑटो होल्ड का ऑप्शन आ चुका है, इलेक्ट्रिक पार्किंग का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे दो आपको कप होल्डर्स मिलेंगे, यहाँ पे आप पेपर वगैरह या फिर कुछ कार्ड्स वगैरह रखना चाहे रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो इसमें लगी, जो कि काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी क्लासी है, इट्स वेरी स्मूथ लाइक बटर, और ये बहुत ही अमेजिंग पार्ट यहाँ पे लगा मुझे। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है एंड इस टाइप का इसका इंटीरियर मिलेगा। सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग जो है स्टैंडर्ड मिलेंगे, एडास फीचर के साथ में अब आपको 6 एयरबैग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। डायमेंशंस में और डिज़ाइन के अंदर और जो इसकी स्ट्रेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, मेजर चेंज जो आया है वो मैंने आपको बता दिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं पूछना कि अभी कस्टमर्स का क्या एक्सपीरियंस है या उनका क्या फर्स्ट जो इम्प्रेशन है इस कार को देखने के बाद में, तो
सेक्सी, यहाँ पर सब लोग आए देखने के लिए. आज फर्स्ट टाइम देखा है उन्होंने कार को. सो सर, आई विल टेक वन मिनट ऑफ योर्स. नो प्रॉब्लम. सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे फेसलिफ्ट किया से, क्या क्या चीजें कॉम्पिटिशन. सो बेसिकली सी, आई हैव किया कैरेंस. ओह दैट्स इट. या एंड आई हैव क्रेटा एंड एवरीथिंग एज सो, बट आई वाज वेटिंग फॉर द सनरूफ टू बिकम अ पैनोरामिक रूफ. And I was waiting for the ADAS feature to come in. Exactly. Because I was looking at other cars, but I wanted this car, but this car didn't have the feature. But now it has got, so I've just come in to book the car on the first day. आप पूछ रहे थे फीमेल क्लाइंट से जो यहाँ पर अभी आए हैं देखने के लिए कार को, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, क्या उनको वो मिली या वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पर होनी चाहिए थी. लेट्स आस्क मैम, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है. प्रियंका, आपको कैसी लगी कार? मुझे अच्छी लगी. मैं काफ़ी दिन से इस कार के लिए वेट कर रही थी. अच्छा. तो मुझे नया अवतार अच्छा लगा है. एक तो इसका सबसे अच्छा मुझे लगा है सनरूफ, जो मुझे फुल सनरूफ चाहिए था. ओके. और सबसे अच्छी मुझे इसकी जो बड़ी स्क्रीन थी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, जो अट्रैक्ट कर रही है, लग्जरी लुक जो मुझे दे रही है. और मुझे ये दो चीजें तो सबसे ज्यादा अच्छी लगी है. एंड एक्चुअली क्या होता है कि मेल ज्यादा वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन फीमेल की ऐसा कोई पूछता नहीं कि उन्हें उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है. बट यहाँ पर पूरा कम्फर्ट का, सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, जो हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम.